नमस्कार, सिवेंद्र रेल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आप सब तो ट्रेन में सफ़र करते होंगे, लेकिन इससे जुड़ी ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती होगी। अगर ये नियम आप भी जान लेंगे तो ट्रेन के सफ़र में कई परेशानियों से बच सकते हैं। तो आइए, हम यहाँ आपको ऐसी ही कुछ नियमों की जानकारी दे रहे हैं। पहला नियम, ट्रेन छूट जाने पर नियम। अगर आपसे ट्रेन छूट गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे के नियम के मुताबिक आप अगले 2 स्टेशनों से ट्रेन को पकड़ सकते हैं। इस दौरान टीसी आपकी सीट को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप अगले 2 स्टेशन तक ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं तो टीसी आपका सीट किसी भी व्यक्ति को दे सकता है। नियम 2, सीट पर ना बैठने पर नियम। अगर आप ट्रेन में ही कहीं मौजूद हैं लेकिन 2 स्टेशन बीच जाने के बाद भी आप अपने सीट पर नहीं पहुंचते हैं तो टीसी आपकी सीट को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। उसके बाद अगर आप सीट पर आते हैं तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये भी रेलवे का एक सख्त नियम है। नियम 3, मिडिल बर्थ पर सोने से जुड़ा नियम। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेन कोच में एक साइड 3 बर्थ होते हैं जो कि यात्रियों के सोने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कई बार मिडिल बर्थ को सोने के लिए इस्तेमाल करने से लोअर बर्थ में बैठना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या आपको पता है, रेलवे नियम अनुसार स्लीपिंग आवर्स रात 9 से सुबह 6 बजे तक ही है। सिर्फ इसी समय के अनुसार मिडिल बर्थ को ऊपर किया जा सकता है। अगर इस समय के अलावा किसी और समय में यह बर्थ ऊपर करने का कोई जिद करता है तो रेलवे नियम अनुसार ये अपराध है। नियम 4, यात्रा आगे बढ़ाने वाला नियम। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको अपने खरीदी गई टिकट में दिए डेस्टिनेशन से आगे तक का सफर तय करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। जी हाँ, डेस्टिनेशन आने से पहले आप टीसी को बोलकर अपनी यात्रा आगे तक करवा सकते हैं। टीसी आपको आगे की यात्रा का अतिरिक्त किराया जोड़कर टिकट जारी कर देगा। नियम 5, शॉर्ट टर्मिनेटेड रूट पर फुल रिफंड। अगर किसी कारण आपकी ट्रेन यात्रा बीच में रोक दी गई है और आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने के रेलवे ने कोई इंतज़ाम नहीं किए हैं तो आप अपने पूरे टिकट के रिफंड की मांग रेलवे से कर सकते हैं। कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर नियम। अगर आपको ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप ट्रेन का टिकट किसी दूसरे स्टेशन से भी ले सकते हैं। लेकिन आपका बोर्डिंग स्टेशन वही होना चाहिए जहाँ से आपको चढ़ना है। इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर ऐसी स्थिति में ट्रेन कैंसिल हो जाए या डाइवर्ट हो जाए तो आपको टिकट का रिफंड मिल जाएगा। नियम 6, MRP से ज्यादा पर सामान नहीं बेच सकते। IRCTC से मान्यता प्राप्त फूड वेंडर MRP से ज्यादा कीमत पर फूड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। रेल नियम अनुसार अगर वेंडर MRP से ज़्यादा पर फूड प्रोडक्ट बेचता है तो यह अपराध है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो आप रेलवे की हेल्पलाइन पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। इससे वेंडर पर भारी जुर्माना और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। धन्यवाद।